सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। टरंग टरंग टरंग, ये देखो क्या है, ये है आलू। अगर इसको ज्यादा खाओगे ना तो मेरी तरह बन जाओगे बड़े सारे आलू। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और ये आलू देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ ये मोटे मोटे पटेटोज। भाई ये मुझे पर्सनली ना बहुत पसंद है, ये इट्स लाइक मैच मेड इन हेवन। सारी स्टार्ची चीज़ें होती ना मुझे बहुत पसंद होती है, तो चलो आज दिखाती हूँ क्या बनाने वाली हूँ इस आलू कचालू से ब्रेकफास्ट के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट बनना है ऐसे, कमाल, लेट्स गेट स्टार्ट। अरे यार चुटकी तो बजा ही नहीं पाऊंगी भाई, एक हाथ में आलू है और एक हाथ में कैमरा है। कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये जैक पोटैटोज जो है तैयार हो गए। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देख रहे हो कितने डिलिशियस और माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। ओह माय गॉड, और इसको गार्निश करा है मैंने स्प्रिंग अनियंस के साथ। आई एम सैलिवेटिंग गाइस, भाई अब नहीं रुका जा रहा, चलिए अब इसको खाती। वैसे मुझे जैक पोटैटोज की ना ये जो जैकेट है ना वो पर्सनली पसंद नहीं, तो मैं बीच में से काटूंगी इसको। ये देखिए, आइए आइए पास आइए, दिखाइए भाई, ये देखो, आय हाय आय हाय हाय हाय, ओ क्या गर्मा गर्म फीलिंग निकली है इसमें से। फूक लो भाई, मुंह जल जाए। ओ माई गॉड, ट्रस्ट मी गाइस, ये डिश ना आपको पक्का ट्राई करनी चाहिए। जो आलू और चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है ना, एकदम अफलातून होता है, सचमुच बहुत ही गजब की बन के आई है। थोड़ी और खा के देखती हूँ मैं, थोड़ी क्या, आज तो मुझे पूरी ख़त्म करनी है। पता है इसके अंदर जो मैंने ग्रीन चिलीज डाली है एकदम छोटी छोटी कटी हुई, वो जब वो बीच बीच में आ रही है ना ऐसा किक दे रही है आपको कि मज़ा आ जाता है भाई। चीज़ के साथ जब ये ग्रीन चिली की किक लगती है ना तो वाकई आपकी लाइफ में भी जो है किक आ जाती है। इस वीडियो को ना एंड तक देखना क्योंकि डिज़र्ट में ऐसी स्पेशल लाने वाली हूँ ना जो शायद ही आपने कभी खाई हो। इट्स लंच टाइम गाइज, और लंच में ना भाई पटेटो चैलेंज है तो आलू का पराठा खाना तो बनता है। वैसे ना ये मैं घर पे ही बना सकती थी, बट जो आलू के कुलचे होते हैं ना, आए हाय उनकी तो बात ही अलग है। सो गाइज मैं आ गई हूँ कुलचा फैक्ट्री और यहाँ पे मैं खाऊंगी अमृतसरी कुलचे। सो इनके ही मुँह में पानी आ रहा है ना, आओ आओ दिखाओ कैसे बनते हैं, आ जाओ। सो ये देखो, यहाँ पे जो है तंदूर सेट हो गया और यहाँ पे बनाए जाएंगे अब बड़े बड़े कुलचे, तो जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। Here comes my आलू का कुलचा and just look at the size. ये देखो गाइस कितना बड़ा है, ओह माय गॉड। और इसके साथ भाई मैंने लिए है दाल मखनी, ये देख रहे हो, आए हाय इतना बढ़िया घी डाला हुआ है ना भैया ने, और वाइट बटर। आहा, आज तो सच मुझे चैलेंज करके बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो खाने को मिल रही हैं। वैसे भी आलू मेरा फेवरेट आपको बताया था ना। चलो भाई अब सबसे पहले इस कुलचे में लगेगा बटर। वैसे उन्होंने घी डाला है और मैंने इनको बोला था मुझे अलग से बटर और दो। चलिए भाई ये ये देखो भाई, ये देख रहे हो
आहा, इसको जरा प्यार से मिलाते हैं, अब आएगी इसको डिसमेंटल करने की बारी। अरे अरे बम, अरे बम, ये देख रहे हो, ओ माय गॉड, ये पता नहीं कितने सारे आदमी खा लेंगे एक्चुअली। आप चिंता नहीं करिए, जो कैमरे के पीछे है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखो, ये तो आधा ही है भाई। ये देख रहे हो, आधा कुलचा इतना बड़ा है, और पूरा तो सचमुच बहुत बड़ा है। चलिए भाई, अब जो है, आहा, आई पहली बाइट। क्या भर भर के आलू डाला भैया ने। अब दाल मखनी लगा रही हो, मत बोलना दाल मखनी क्यों खाई। इतना अमेजिंग है ये, इतना लजीज है ये, सचमुच इतना बढ़िया स्वाद है इसके अंदर भाई। ये देख रहे हो आलू की फीलिंग, देखो आप इधर आओ पास, ये देखो पूरी भर भर के भरी है एकदम, पॉकेट देख रहे हो, इट्स पैक्ड विद पोटैटो। ये देखो और क्या क्या है, बहुत सारे मसाले भाई नज़र आ रहे हैं मुझे, हरी मिर्ची खूब नज़र आ रही है मुझे। पर्सनली हरी मिर्ची आलू के पराठे में बेहद पसंद है। और एक बात बताऊँ, एक बाइट और ले लेती हूँ, बहुत ही टेम्प्टिंग है। ओह माय गॉड, इतनी बार मैं आती हूँ ये कुलचा फैक्ट्री के अंदर, इतनी बार कुलचा खाती हूँ मैं, एक बात की गारंटी है, अगर आपको अमृतसरी कुलचा खाना है ना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन जयपुर, आई गारंटी। इससे अच्छे कुलचे जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनके पास बहुत सारी वेराइटी है भाई कुलचे में। भाई गाइस, मुझे दिखा है सब्जी का ठेला, आलू आज सारे सुबह बना दिए, अब ज़रा आलू खरीद ले, पोटैटो चैलेंज है तो आलू तो ज़रूरत है ना, डिज़र्ट भी तो दिखानी है ना आपको। आइए, ये देखो दिख गया आलू का ठेला। भैया जी, आलू क्या हिसाब दिए? आलू 40 रुपए बेटी। आलू 40 रुपए किलो, बहुत महंगा दे रहे हैं। वैसे मुझे ना आलू देख के एक चीज याद आ रही है, मैं थोड़ा सा ठेला हिला सकती हूँ आपका? क्यों, थैंक यू भैया, मैं इधर आती हूँ। आलू लूंगी, टेंशन नहीं मुझे, कोई बात नहीं, आलू लो, टमाटर लो, जो भी चाहिए। मुझे नाना पाटेकर के वेलकम पिक्चर की डायलॉग याद आ रही है, उसमें पता क्या होता है, वो भाई साहब ये ठेला खस खाते, अरे तो अच्छा ढीर, ये तो अच्छा, ज्यादा मेहनत नहीं है गाइस, ये बड़े आराम से खसक गया। मैं ठेला ढूंढ ही रही थी जिसमें कम सब्जी हो। नहीं, मेहनत तो आप करते हैं, दोपहर ही भर ठेला चलाना कोई आसान बात है? उसमें था आलू ले लो, कांदा ले लो, अरे आज कांदे की बात नहीं कर सकते, आलू का चैलेंज है, पोटैटो चैलेंज, आलू ले लो, ले लो ले लो आलू ले लो। अब भैया हमको 2 किलो आलू दे दीजिएगा, अब मैं ज़रा अच्छे अच्छे छाट लूँ, कहीं गड़बड़ निकल गया ना तो घर वाले बहुत डांट लगाएंगे। लाइए कोई डोलची वोलची हमें दे दीजिए, आज हो गया पोटैटो चैलेंज। भाई घर के लिए भी आलू ले लेने चाहिए, घर वाले डांट नहीं लगाएंगे, नहीं तो मुझे सारे आलू खा गए कि दिन में आप लोग। आप तो याद करोगे ये आलू ले जाके, बहुत बढ़िया आलू है। थैंक यू। चलिए भाई, आलू साहब गए अंदर और हम चले कुछ खाने। इट्स स्नैक टाइम गाइस, सो स्नैक्स खाने भाई मैं आ गई हूँ सी स्कीम, और वो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे आउटलेट्स हैं गाइस। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से आउटलेट से क्या खाऊं। ये ना, ये कुछ आउटलेट्स आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखे होंगे, क्योंकि आज है पोटैटो चैलेंज, तो चलिए देखते हैं आलू की कौन सी इंटरेस्टिंग डिश यहाँ मिलने वाली है, आ जाओ। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ हनी चिली पोटैटो। सुनते ही लग रहा है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जयपुर वॉक से लेकर आई हूँ, और ये देखो कितने बढ़िया माउथ वाटरिंग फायरी रेड से लग रहे हो, इसको इन्होंने गार्निश करा है सेसमे सीड एंड स्प्रिंग अनियन से। आई कांट वेट टू ट्राई दिस। ऑलराइट, ये देखो, अरे घुस जा भाई, घुस नहीं रही, गिर ना जाएगा, ये देखो कितना सारा आ गया, बाबा रे बाबा, हो वो गम है, बहुत सारे खा लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। वैसे मुझे पर्सनली फ्रेंच फ्राइज तो बहुत पसंद है, बट उसमें जब लग जाता है चिली और हनी का तड़का तो आए हाय, सोने पे सुहागा हो जाता है। आपको याद है मैंने अपने मोमो वाले चैनल में दिखाए थे हनी चिली मोमोज, आज दिखा रही हूँ हनी चिली पोटैटो, मेरे ये फेवरेट भाई, मुझे पसंद है। अगर आपको भी पसंद है या आपने कभी खाया हनी चिली पोटैटो तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अंदर उन्होंने जो सेसमे सीड्स डाले ना, बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प क्रंच दे रहे हैं हनी चिली पोटैटोज को। Thank you.
इट्स डिनर टाइम गाइस, और मैं आ गई हूँ मेरे फेवरेट मैकडॉनल्ड्स में पोटैटो चैलेंज करने। ये देखो क्या क्या ऑर्डर करा है भाई। यहाँ पे करी है मैंने फ्राइज ऑर्डर जो मेरी फेवरेट हैं, उसके साथ बताऊँगी ये क्या है। और ये है, इसको पहले करो इधर, ये है मेरा आलू टिक्की, ये तो उल्टा हो गया। ये है आलू टिक्की बर्गर, चलो देखें क्या क्या लगा है भाई। ये देख रहे हो मैंने इसके अंदर दो आलू टिक्की बोली है भाई, पोटैटो चैलेंज है तो पोटैटो खूब सारे होने चाहिए। और क्या है, ये है इनकी मेयो। चलिए भाई इसको रखते हैं बंद और अब खाएंगे हम। अच्छा ये जो फ्राइज़ है ना, आज मैंने प्लेन फ्राइज़ नहीं लिए, इसके साथ भाई मैंने लिया है ये पेरी पेरी मसाला। एंड ये जो सैशे है ना, ये दोनों मिला के 20 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, पर कोई बात नहीं, दिए हैं क्योंकि पेरी पेरी फ्राइज़ खानी है। चलिए पहले फ्राइज़ बनाते हैं। जी हाँ, ये आपको ही बनानी पड़ती है, ये बना के नहीं देते। ये सिर्फ नॉर्मल फ्राइज़ बना के देते। तो ये गई मेरी फ्राइज़ अंदर, ये देखिए ये गई पैकेट में आ गई, एक बार ही आ गई, ये गई अंदर। अब ये जो सैशे है, जो सबसे बड़ा काम है मेरे लिए, इसको खोलना। आई डोंट थिंक से मुझसे खुलेगा, पता नहीं कहाँ से खुलेगा। नाक में चला गया लग रहा है। बड़ा गजब का मसाला है। सो ये गया मसाला अंदर, आइए पास आइए, दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए हमने डाला मसाला, ये सारा ही डाल देती हूँ वैसे। ऑल राइट भाई, सारा दिया तो सारा डालूंगी। आई थिंक मसाला मिल गया होगा ना। वो लुक एट दिस मैन, टुन टुन टुन, कितनी बढ़िया। और इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही, इतना ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, इसे मैंने अंदर ले लिया। ये खाऊंगी सबसे पहले। गाइस मुझे लगता है फ्रैंकली मसाला मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है। बाकी इनका जो पेरी पेरी मसाला ना मैकडॉनल्ड्स का, बहुत बड़ा गजब का है। बहुत ज़्यादा का मसाला डल गया भाई। चलिए अब है पोटैटो चैलेंज चल रहा है, तो ये खाऊंगी डबल पोटैटो पैटी का बर्गर। भाई नॉर्मल बर्गर लिया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ मैं कैसे खाती हूँ बर्गर, इन जनरल कैसे खाती हूँ। ये जो दो बंद है ना, इसको मैं करती हूँ ऐसे डिसमेंटल। ये देखिए ये है, अभी एक ही टिक्की खा लेती हूँ। ये इस तरीके से खाती हूँ जनरल मैं बर्गर। मैकडॉनल्ड की आलू पैटी तो अच्छी है, अब बर्गर को बर्गर की तरह भी खा लेना चाहिए ना। ये गई पैटी अंदर, बन गया मेरा रेगुलर बर्गर। वैसे ये बर्गर में कोई वेजिटेबल्स नहीं लगाई हैं इन्होंने, नीचे भी थोड़ी मेयोनीज़ या कुछ सॉस लगाते तो अच्छा होता। तो ये मेरे हिसाब से भी ये बर्गर काफ़ी ड्राई है, और इसके अंदर इनको ज़रा प्याज लेटस या फिर टमेटो लगा देते तो अच्छा होता। पिछले वाले बर्गर में तो लगाया था थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, ये तो बिल्कुल ही मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पैटी ठीक है, बट जो कॉम्बिनेशन है मुझे अच्छा नहीं लगा, बट आई लव दिस फ्राइज। इट्स डिज़र्ट टाइम गाइस, और मैंने बोला था ना सुबह सुबह आपको, प्रॉमिस करा था ना कि डिज़र्ट में दिखाऊंगी एक बहुत ही अमेजिंग सी डिश। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखो गाइस कितना बढ़िया, ओ गॉड मुंह में पानी आ रहा है, इतना बढ़िया मैंने जो है आलू का हलवा बनाया। और गार्निशिंग देख रहे हो, आए हाय, इसमें डाले हैं मैंने पिस्ते बादाम और फ्रेश रोज पेटल्स। वैसे इतनी गार्निशिंग और ड्राई फ्रूट्स ना, अगर आप घर पे बनाओगे ना तभी आप कर सकते हो, बाहर कहीं हलवा खाओगे ना तो इतनी सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं वो। चलो भाई अब ट्राई करते, आइए आइए दिखाइए काटते हुए भाई। ये देखो ये ऊपर से उठा लेती हूँ, ओहो क्या बात है। ओ माय गॉड, सच में बोलूँगी मैं अपनी तारीफ खुद वैसे नहीं करती हूँ, बट ये हलवा वाकई बहुत ज़्यादा लजीज और जायकेदार बना है। इसके अंदर ना मैंने बहुत सारी इलायची डाली है, जिसका फ्लेवर बहुत गजब का आ रहा है, जो फ्रेशनेस आ रही है ना ये रोज़ पेटल डालने से, आए हाय क्या बात है। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये घर में आप ज़रूर ट्राई करना, इसकी कंसिस्टेंसी देखो कितनी, बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं है, देख रहे हो आप कितनी बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखो
इसमें बिल्कुल घी डालने में कोई कंजूसी मत करना आप। भर भर के मैंने घी डाला है और बनाया है मजेदार आलू का हलवा। अब मैं जल्दी से करती हूँ उसको खत्म और आपको मिलूंगी अब अगले ट्यूसडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और भाई इतना अच्छा हलवा बना के दिखाया है मैंने आपको, एक लाइक बटन तो प्रेस कर देना और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन तक पहुंचाओ प्लीज। बाय।